Anil, पहली गेंद लेकर सज्ज हो गए। तेज तर्रार गेंद की लेग स्पिन के बाहर रही। अंपायर ने अपने हाथों को फहराया। इस गेंद को वाइड घोषित जरूर किया है। कीपर की भूमिका में हम देख सकते हैं क्या बात है। बोलू हंसता मुस्कुराता चेहरा स्टंप के पीछे। अगली गेंद लेकर तैयार। फिर से एक बार अनिल अपने बॉलिंग मार्क पर। सचिन सदम बैकफुट पर जाकर क्लासिकल स्ट्रोक खेलते हुए कालियों का अच्छा उपयोग नजाकत भरा स्ट्रोक का जरूर देखने मिलता हुआ और इस एक रन के साथ शिटोवर स्पोर्ट्स कासर वरुणी की टीम का खाता जरूर खुलता हुआ। नीलेश राउत एक डेंजर खिलाड़ी जरूर माना जाता है। इस क्षेत्र के हार्दिक पांड्या इन्हें जरूर कहा जाता है। इसी बीच ये पहली गेंद आगे बल्ले से खेलने का प्रयास। गेंद आती हुई इस वक्त बबलिया बबलू गेंद को फील करते हुए। बिल्कुल बबलू की अगर बात करें तो कैप्टन निशान के साथ लकी चार्म उन्हें माना जाता है। जब भी टॉस उड़ाने आते हैं साथ में ही रहते हैं। और बिल्कुल हैंडसम बॉय के बॉय से यहाँ पर मशहूर है। क्या बात है। अगली गेंद लेकर तैयार। फिर से एक बार अनिल अपने बॉलिंग मार्ग पर। सचिन सामना करेंगे सभी को। सचिन बड़ा ही लगाने की चाह है। जिस तरह से गेंद का भी समय तलक के हवा में और खिलाड़ी और कैच। क्या बात है। नितेश कैच पकड़ा है इन्होंने। सचिन कदम जैसे खिलाड़ी को इन्होंने आउट किया है। सचिन कदम इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। इसी ग्राउंड पर इन्होंने हाफ सेंचुरी हाल ही में मारी थी और वही खिलाड़ी नकुश नाराज होकर पवेलियन की तरफ लौटता हुआ। एक बड़ा झटका जरूर लगा है उनकी कमी पूरी करने के लिए। नेट चालू कर मंगना ग्राउंड के बीच में भेजा जा रहा है। चलिए न्यू बैट्समैन थोड़ा सा दौड़ते हुए थोड़ा वार्म अप करते हुए वहां से सुमित न्यू बैट्समैन इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए। नीलेश राउत अभी भी विकेटों के बीच में तैनात हैं। अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में। इसी बीच ये बड़ा हिट लगाने का चाह थी। रेंज में गेंद नहीं आई। कार्पेट के सारे समय के स्कोर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ऊपर की यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ी। क्या बात है। बोलू हाइट पर पॉइंट लगा। बिल्कुल जब भी वो सूत्रों से पता चले कि जब भी वो टूर्नामेंट पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज्यादातर मैन ऑफ द मैच उन्हें मिलता है क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया। कवर से खिलाड़ी की खराब फील्डिंग गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ चार रन हो गए। भुवेश खराब फील्डिंग का प्रदर्शन उनके माध्यम से जरूर देखने मिला। डबल माइंड हो गए हाथ से रोके या पैर से रोके इसमें कंफ्यूजन जरूर देखने मिलता हुआ और गेंद सीमा रेखा पार करती हुई चार रन हो गए। इस चार रन के साथ अकाउंट अपना जरूर सुमित ने खोला है। खाता अपना जरूर है उन्होंने इस चार रन के साथ खोला। स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार। इसे गेंदबाज शॉटी गेंद की बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश। गेंद छाती हुई इस वक्त निकले दो गेंद गेंद टाटा और बाबा पर नजर है। मोहित पाटिल डॉट मोहित डॉट पाटिल 4410 एड्रेस जीमेल डॉट समाप्ति। और पहली कवर की समाप्ति के बाद शिवा स्पोर्ट्स कास्टर बोरों की गति का स्कोर चर्चा का हुआ 9 रन। क्या बात है। गुरसे की टीम आज ग्राउंड के अंदर उनका हार्दिक स्वागत है। राजू भाई स्पोर्ट्स का कोडीवाड़ा मोहित डॉट पाटिल 4410 @gmail.com ना पासवर्ड है पहला कैपिटल M I माझं नाव
कैपिटल एम द लास्ट 11 फोर टू पासवर्ड और वाकई में बहुत लाजवाब है अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी संभाली है दिनेश शेष दिनेश के कामों पर जिम्मेदारी का भार इस वक्त नजर आता हुआ और सामना करने के लिए तैयार है चार खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात करने हैं ये चीज ध्यान में रखिएगा पावर प्ले के सर्कल के अंदर चार खिलाड़ी आपको तैनात करना है और याद है कि शफल हुए थे पीछे का दरवाजा खुला रखा था गेंद वहीं से प्रवेश करती हुई और विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से यहां पर नष्ट नाबूद होता हुआ लगता हुआ श्रीनिवास स्पोर्ट्स टीम को ये दूसरा झटका and Rajit sports caster role max aapko bulaya jayega ready position mein aapko rehna hai zara balwal patwa aata tora hai aakash aaj ke command par aakash ki agar baat kare to bahut hi unda dhanyawad hai रनों की मशीन बनकर अपनी टीम के लिए रन जोड़ते हैं लेकिन इस वक्त गेंदबाजों का बोल जरूर वाला नजर आता हुआ क्योंकि दिवेश ने पहली गेंद पर ही विकेट का बटन किया दिवेश राउंड जैसे खिलाड़ी को टीम ने आउट जरूर किया इसी बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी मात्र गेंद को दिशा दी एक किलोमीटर में जरूर यहाँ पर मिलता हुआ एक रन से ज्यादा दिशा सिंगल रनों से रनों की संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश इस वक्त जारी है स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जो आंकड़ों में परिवर्तित होता हुआ जो आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ जा पहुंचा है 10 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के साथ अगली गेंद लेकर दिवेश पिछले सच्ची होते हुए सामना करने के लिए तैयार है सुमित इसी बीच ये गेंद सुमित का बड़ा हिट लगाने की चाहत यहाँ पर नजर आती हुई गेम आती हुई टॉप कॉर्नर के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन देखने मिलता हुआ भावेश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम को रिसीव करके थ्रो किया एक रन से ज्यादा कुछ नहीं भावेश की अगर बात करें तो बिल्कुल थाना क्षेत्र में काफी नाम उन्होंने कमाया है अपनी गेंदबाजी के माध्यम से वो गोरबंदर रोड हो या फिर थाना सिटी इस बार की चाहत और ये देखिए कैच छूटा है जीवनदान जरूर मिला आकाश जैसे खिलाड़ी को जीवनदान मिला ये भारी बन सकता है बिल्कुल इस टीम की अगर बात करें रवि भाई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इस टीम के ये बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं जिनके हाथ से कैच छूटा है आकाश को जीवन दान मिला है और आकाश देखने वाली बात यह होगी कि जीवन दान का कितना फायदा यहाँ पर उठाते हैं इस बीच अभी गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था फ्रंट फुट पर निकले थे लेकिन ये गेंद रही वाइड के रूप में चलिए अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी इनिंग में माना जाएगा ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा लक्ष्य में रखिएगा ना समझ में आए सुमित के जेब में रखे लेकिन याद रखिए इसी बीच अगली और यहाँ पर देखिए स्टंप के बीच में पकड़े गए मिडल स्टंप पर विकेट का होता हुआ पकड़ा हुआ और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ श्रीनिवास स्पोर्ट्स शासन वर्ल्ड की टीम को क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं
दिनेश जो फायदा करना था उठाना था उसमें नाकामया रहे। मिडल सेंटर लोकल गेम थी और मिडल सेंटर पकड़े गए। अपील थी, अपील को स्वीकारा यहाँ पर अंपायर ने और विकेट का बटन हुआ है आकाश की हिंद की समासी के बारे में अगर बात करें तो जिस वक्त सुनील स्पोर्ट्स वॉकिंग के साथ मैच था दो दिनों में पांच रनों की जरूरत थी उस वक्त सिक्स लगाकर अपनी टीम को विजेता इन्होंने बनाया है। इस बार ये अच्छी गेम थी, सम्मानजनक स्पोर्ट्स था तो इस ओवर की गेम थी मात्र गेम को दिशा देने की कोशिश की गई और ओवर की इस वक्त हुई है समाप्ति। दो ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन। तारीफ करेंगे यहाँ पर दिनेश की जिन्होंने दो विकेट लेकर 6 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, अच्छी सूझबूझ भरी ओवर जरूर की है। अब देखने वाली बात यह है कि गेंदबाजी का जिम्मा किसके कंधों पर दिया जाता है, क्या वो भावेश होंगे, गोलू होंगे या फिर अजीत होंगे। इनके पास बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी है और बिल्कुल यहाँ पर मेरे ख्याल से भावेश की कांधों पर जिम्मेदारी जरूर दी गई। बिल्कुल देवेश की अगर बात करें तो एक साल के बाद वो कमबैक कर रहे हैं, इंजरी के कारण वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक साल क्या बात है, ठीक है ओला वेलकम मेरे साथी पार्टनर जी में कहा जा सकता है जयवंत त्रिपाठी आ चुके हैं। वेलकम जयवंत, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 40 प्लस के घटक खिलाड़ी माना जाता है इन्हें, तो आइए आपका हार्दिक स्वागत है। Next Narisha Sports versus the Ranjit Sports Kapsar Borodi, दोनों टीम के कैप्टन का आपको संपर्क से साधना है हमें हमारे कमेंट्री बॉक्स पर। नहीं तो फिर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे तो नहीं बल्लेबाज। स्कोर की अगर बात करें स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। एक अच्छी गेंदबाज है, अच्छी लाइन और लाइन की गेंदबाजी करते हैं जरूर सुमित सामना करने की तैयारी है। इस बार अच्छी गेंद काउंटर में यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से मुजफ्फर के क्षेत्र में विशाल ने गेंद को फील्ड किया। एक रन चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज जरूर रहे। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 17 रन। नेक्स्ट मैच रंजीत स्पोर्ट्स वर्सेस नरेश स्पोर्ट्स कैप्टन आना है आपके कमेंट्री बॉक्स के पास। थोड़ी सी लॉजिक ऑफ गेम भी रहा जरूर किया है गेम को जब तक के फील किया जाता है एक रन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। वीडियो सपोर्ट नहीं करा त्याला वीडियो सपोर्ट नहीं करा म्हणजे DAT व्हिडिओ दाखवतो व्हिडिओ ओपनच नाही होत असं नाही हां काय बोल लॅपटॉप ते अरे तो कीबोर्ड खराब आहे वाटतं मला कीबोर्ड नाही याचा बघ कारण माझा कीबोर्ड आणला लागेल यश आमच्या घरात आता का काय नाही जा मी फोन करतो चालू तर कर चालेल बघ चालू तर कर कॅमेरा कनेक्ट करून बघ ना मला नाही होत अरे त्याचा माऊसच चालू होत नाही जा
इस बार ये स्ट्रोक जरूर खेला था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात था। खूबसूरत कैच विकेट पर लगा था। विवेक और योगेश की जोड़ी के बीच में नजर आती है। नरेश स्पोर्ट्स कैप्टन आपको संपर्क साधना है कमेंट बॉक्स पर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चार विकेट के नुकसान के बाद कप्तानी सांगले जसा तोड उत्तर देवाचा कप्तान आता कसा वाटला कसा बोलला दे दे बा असा शब्द बाबा कोण चिडले कोण चिडले त्याचा चिडले यहाँ पर अपना हार शुरू किया है। गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, अपार का इशारा कन्वर्ट होता हुआ 6 रनों साबित हुआ है। गेंदबाज अजीत को ये चीज को उन्होंने गेंदबाज विवेक ने प्रूफ जरूर किया है। परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम में निभाने वाले ये खिलाड़ी विवेक इस वक्त बल्लेबाजी में कमान कर रहे हैं। आपका मैच है संपर्क में साधना है क्योंकि एक इनिंग के बाद हम यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया जरूर पूरी करेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से गेंदबाज अजीत है, एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत और कामयाबी, कदम चूमती हुई बैक टू बैक एक और सिक्सर, व्हाट अ हिट, क्या बात है। यहाँ पर मान लीजिए 2 ओवरों में आकार बड़ा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट है अजीत के जड़ दिए हैं बल्लेबाज विवेक ने। विवेक की अगर बात करें तो 5वें 6वें क्रमांक के ये बल्लेबाज हैं, 6वें नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी पर और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में 2 बड़ा हिट लगाकर अपनी टीम को एक अच्छी पायदान पर लाकर इस वक्त खड़ा कर दिया है। स्कोर जब होता है 30 रनों पर। अगली गेंद ले जा तैयार फिर से बात अजीत इसी बीच ये है। इस बार एक और बड़ा हिट लगाने की चाहत गेंद